दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम को सपोर्ट करते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शेफाली वर्मा के कत्लेआम बल्लेबाजी के दम पर भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के पहले ही मुकाबले में कर दिया है चारों खाने चित। पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाते हुए जिस तरीके से भारत की महिला टीम ने खेल दिखाया है, आज उनके प्रदर्शन पर पूरा भारत सलाम कर रहा है। शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स और कैप्टन हरमनप्रीत कौर के दम पर किस तरीके से भारत ने किया पाकिस्तान का सूपड़ा साफ, कैसे पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने की जीत हासिल, दिखाएंगे टीम इंडिया के दमदार प्रदर्शन का पूरा वीडियो और मुकाबले की बेहद ही रोमांचक हाईलाइट। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना में से बेहतरीन खिलाड़ी आप किसे मानते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत की पुरुष टीम ने T20 वर्ल्ड कप में पूरे भारत वर्ष को निराश किया था और सेमीफाइनल में इंग्लैंड से बुरी तरीके से हार कर इंडिया बाहर हो गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप का मंच सज चुका है और पहले ही मुकाबले में भारत की महिला टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। रोमांच की सारी हदें पार कर देने वाले इस मुकाबले में हर हाल में दोनों ही टीमें जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरी हैं। दोस्तों, केप टाउन का न्यूलैंड्स का मैदान इस महामुकाबले का गवाह बना, जहां पाकिस्तानी कप्तान बिस्मा मारूफ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इस महामुकाबले में भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा और भारतीय स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना चोट के कारण इस मुकाबले में उपलब्ध नहीं थी। खेमों में जोश की कोई कमी नहीं, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। राष्ट्रीय गान के बाद पाकिस्तानी बल्लेबाज रनों की बारिश करने के इरादे से मैदान में उतरे। मुनीबाली के साथ जवेरिया बद्दू रनों की बारिश करने के इरादे से ओपनिंग करने के लिए आती हैं। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पहले ही ओवर में रेणुका सिंह को गेंदबाजी आक्रमण की कमान सौंप दी। आपको बता दें, रेणुका ने पहले ही ओवर में पाकिस्तान की नाक में दम करना शुरू कर दिया। शुरुआती 3 गेंदों में 2 बार ऐसा लगा कि भारतीय टीम को सफलता मिल गई है, लेकिन पाकिस्तान की किस्मत कुछ ज्यादा बेहतरीन थी। लेकिन उसके बावजूद पहले ओवर में रेणुका ने केवल 3 रन बनने दिया। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, दूसरा ओवर लेकर आई दीप्ति शर्मा को निशाना बनाते हुए एक बेहद खतरनाक रिवर्स स्वीप लगा दिया, जिसमें चौका बटोरकर उन्होंने अपने खतरनाक तेवर भारतीय टीम को दिखा दिए थे। ऐसा लगा कि यहां से मुकाबला बदलने वाला है, लेकिन दीप्ति शर्मा के इरादे तो कुछ और ही थे। उन्होंने अंगुली जैन पर अपने साथ साथ भारत का बदला ले लिया था। जी हां, आपको बता दें, दीप्ति की खतरनाक गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलना चाहती थी, लेकिन इस बार वो दीप्ति के जाल में फंस गई और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बेहतरीन कैच लपक कर पाकिस्तान को पहला झटका दे दिया। जवेरिया 6 गेंदों पर 8 रन बनाकर पवेलियन लौटी। उनके आउट होने के बाद मैदान में आती हैं पाकिस्तान के कप्तान और सबसे बड़े खिलाड़ी बिस्मा मारूफ। भारतीय गेंदबाजों ने अभी से इस मुकाबले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। 3 ओवरों में पाकिस्तानी महिला टीम ने महज 13 रन बनाए थे। उन्हें एक एक रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानी कप्तान बिस्मा मारूफ ने अपनी टीम को मुसीबत में देखकर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। आपको बता दें, 4th ओवर से लेकर आई दीप्ति शर्मा को निशाना बनाते हुए उन्होंने एक के बाद एक 2 ताबड़तोड़ चौके लगाकर मुकाबले की दिशा और दशा पलट दी थी। वो चौके इतने शानदार थे जिन्हें देखकर पूरा स्टेडियम हैरान था। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। इसी के चलते उन्होंने तुरंत गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और 5वें ओवर में अपनी सबसे भरोसेमंद गेंदबाज राजेश्वरी गायकवाड़ को आक्रमण पर लगा दिया, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बिस्मा ने हरमनप्रीत कौर के सभी इरादों पर पानी फेरते हुए राजेश्वरी गायकवाड़ को भी चौके के लिए भेज दिया था। ऐसा लग रहा था कि वो कहर बरपाने के इरादे से मैदान में आई है। उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत पाकिस्तानी पारी पटरी पर वापस लौट आई थी और 5 ओवरों में उन्होंने 31 रन बना दिए थे। मुकाबला अभी एक तरफा नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तान भारतीय टीम से मैच को बहुत दूर ले जाती दिख रही थी। पाकिस्तान ने पावर प्ले का बखूबी फायदा उठा लिया था। अंतिम ओवर में हरमनप्रीत कौर ने एक बार फिर दीप्ति शर्मा का रुख किया। ये उनका पावर प्ले में 3रा ओवर था, जो बेहद जरूरी था। महिला क्रिकेट के लिहाज से पाकिस्तान मुकाबले में आगे चल रहा था, तो वहीं दूसरे छोर पर खड़ी मुनीबाली ने भी अपना अंदाज बदलना शुरू कर दिया था। उन्होंने दीप्ति शर्मा की अंतिम गेंद पर इतना खतरनाक छक्का लगाया कि पूरा स्टेडियम परेशान हो गया। पाकिस्तान ने 6 ओवरों में 39 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों, 7वां ओवर लेकर आई राधा यादव ने मुनीबाली को आउट कर पाकिस्तान को 2रा झटका दिया और भारत की वापसी का बिगुल बजा दिया था।
था। एक पल के लिए तो ऐसा लगा था कि भारतीय टीम के पसीने छूट गए, लेकिन भारतीय स्पिन गेंदबाजों का अभी असली कोहराम बाकी है। मुनीबा 14 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हुई, लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की और 8 ओवर के भीतर ही पाकिस्तान के 3 विकेट गिरा दिए। बता दें, पहले विकेट के रूप में जहां जवेरिया खान केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौटी थी, तो वहीं 7वें ओवर में दूसरी ओपनर मुनीबा अली भी केवल 12 रन बनाकर पवेलियन चली गई। इसके बाद पूजा वत्सकर ने नदियादार को भी खाता नहीं खुलने दिया और पाकिस्तान की टीम 7.3 ओवर में 43 रन पर अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद पाकिस्तानी कैप्टन मारूफ और सदीरा आमीन के बीच एक छोटी सी पार्टनरशिप जरूर हुई, लेकिन इस पार्टनरशिप को भी राधा यादव ने तोड़ दिया और 12 ओवर की समाप्ति के बाद 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर पाकिस्तान अपना 4था विकेट भी गंवा चुका था। दोस्तों, T20 विश्व कप के मंच पर एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने थे। हालांकि इस बार पुरुष नहीं बल्कि महिला क्रिकेट टीमें एक दूसरे से भर देने के लिए तैयार थी। कैपटाउन का न्यूलैंड्स का मैदान इस महामुकाबले का गवाह बना, जहां पाकिस्तानी कप्तान बिस्मा मरूफ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इस महामुकाबले में भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा और भारतीय स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना चोट के कारण इस मुकाबले में उपलब्ध नहीं थी। दोनों खेमों में जो कि उसमें कोई कमी नहीं थी, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। राष्ट्रगान के बाद पाकिस्तानी बल्लेबाज रनों की बारिश करने के इरादे से मैदान में उतरे। मुनीबा अली के साथ जवेरिया वदूद रनों की बारिश करने के इरादे से ओपनिंग करने के लिए आए। दोस्तों, जवेरिया ने दूसरा ओवर लेकर आई दीप्ति शर्मा को खतरनाक रिवर्स स्वीप से चौका बटोरकर अपने खतरनाक तेवर भारतीय टीम को दिखा दिए थे। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, लेकिन दीप्ति ने अगली गेंद पर अपने साथ साथ भारत का भी बदला ले लिया। इस बार वो दीप्ति के जाल में फंस गई और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बेहतरीन कैच लबक कर पाकिस्तान को पहला झटका दे दिया। जवेरिया 6 गेंदों पर 8 रन बनाकर पवेलियन में लौटी। उनके आउट होने के बाद मैदान में आती है पाकिस्तान की कप्तान और सबसे बड़ी खिलाड़ी विश्मा मरूफ। पाकिस्तान कप्तान विश्मा मरूफ अपनी टीम को मुसीबत में देखकर काउंटर अटैक करना शुरू कर चुकी थी। 4था ओवर लेकर आई दीप्ति शर्मा को निशाना बनाते हुए उन्होंने एक के बाद एक दो ताबड़तोड़ चौके लगाकर मुकाबले की दिशा पलट दी। दूसरे छोर पर खड़ी मुनीबा अली ने भी अंतिम गेंद पर इतना खतरनाक छक्का लगाया कि पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। पाकिस्तान ने 6 ओवरों में 39 रन बना लिए थे। दोस्तों, 7वां ओवर लेकर आई राधा यादव ने मुनीब अली को आउट कर पाकिस्तान को दूसरा झटका दिया। मुनीबा 14 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हुई। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आती है निदा दार, लेकिन भारत ने वापसी का बिगुल बजा दिया। पूजा वस्त्रकार ने निदा को खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया और अपनी घातक बाउंसर पर विकेट कीपर ऋचा घोष के हाथों कैच आउट कराकर पाकिस्तान को तीसरा झटका दिया। भारत जश्न मना रहा था, हालांकि आमीन और कप्तान मारूफ के बीच एक छोटी सी पार्टनरशिप कोई, लेकिन राधा यादव ने आते ही आमीन को 11 के स्कोर पर आउट कर भारतीय टीम को मुकाबले में बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। पाकिस्तान के 68 रनों पर 4 विकेट थे, लेकिन उसके बाद आता है असली तूफान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, बल्लेबाजी करने आई आयशा नसीम ने कप्तान बिस्मा मारूफ के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई करनी शुरू कर दी। उन्होंने एक के बाद एक आते दो खतरनाक छक्के लगाकर भारतीय टीम की हालत खराब कर दी थी। तो वहीं दूसरे छोर पर कप्तान बिस्मा ने भी महज 45 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। इन दोनों खिलाड़ियों ने उसके बाद भारत को एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी और 20 ओवर में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर पाकिस्तान का स्कोर 149 रनों तक पहुंचा दिया। अंत तक नाबाद रहते हुए आयशा नसीम ने महज 25 गेंदों पर 2 चौके और 2 बेहतरीन छक्कों की बदौलत 43 रन बनाए थे। तो वहीं कप्तान बिस्मा ने 55 गेंदों पर 7 चौकों की बदौलत 68 रन बनाए। भारतीय टीम के लिए राधा यादव ने 2 विकेट तो वहीं पूजा और दीप्ति शर्मा ने एक एक सफलता हासिल की। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए स्मृति मंधाना की गैर मौजूदगी में यास्तिका भाटिया और शेफाली वर्मा की नई जोड़ी मैदान में उतरी। यास्तिका ने पहली गेंद पर चौका बटोरकर अपने तेवर पाकिस्तान को दिखा दिए थे। टीम इंडिया ने एक मजबूत और खतरनाक शुरुआत कर दी थी। 2 ओवरों में टीम इंडिया 11 रनों के पार पहुंच गई थी। यास्तिका भाटिया बेहद खतरनाक अवतार में नजर आ रही थी। उन्होंने एक के बाद एक चौके लगाकर पाकिस्तान की हालत खराब कर दी थी। दूसरी ओर से शेफाली वर्मा ने भी आक्रामक रुख अपनाया। इन दोनों ने भारतीय टीम को बेहद मजबूत शुरुआत दिलवा दी थी और 4 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 27 रनों के पार जा चुका था। भारतीय टीम के जीत की पटकथा लिखी जा चुकी थी। पाकिस्तान विकेट के लिए तड़प रही थी, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी पाकिस्तान को कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दे रहे थे। शेफाली वर्मा ने निदादार को एक के बाद एक ऐसे 2 खतरनाक चौके लगाए जिन्हें देखकर पाकिस्तान को अपनी हार नजर आने लगी थी। हालांकि दोस्तों, पावर प्ले के अंतिम ओवर में भारत को यास्तिका भाटिया के रूप में पहला झटका लगा।
बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में यास्तिका भाटिया 20 गेंदों पर दो चौकों की बदौलत 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आती हैं जेमिमा रोड्रिग्स। दूसरे छोर पर खड़ी शेफाली वर्मा ने ओवर की अंतिम गेंद पर चौका लगाकर 6 ओवरों में ही भारतीय टीम को 43 रनों तक पहुंचा दिया था। इन दोनों खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को खून के आंसू रुला दिए थे। इसे देखते हुए ये तो लगता है कि भारतीय टीम बड़ी आसानी से पाकिस्तान को कुचलकर हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा देगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय महिला टीम विश्व कप जीत पाएगी या नहीं, हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।